प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा था? आज हमने पढ़ा था हमारी वर्णमाला। तो हमने स्वर पढ़ा था, व्यंजन पढ़ा था। चलो विस्तार से सीखते हैं। जो नीचे दिया गया था चिन्ह और संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मैंने कहा था कि तीन अक्षरों के मेल को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, क प्लस श प्लस अ, श बनता है। नीचे जो लाइन दिया गया है छोटा छोटा सा, हिंदी में इसे हलंत बोलते हैं। हलंत का काम क्या है? जब कोई अक्षर हम पढ़ते हैं, जैसे क, क है, क के नीचे अगर हलंत लगा जाए तो हम इसे क आधा पढ़ेंगे। इसकी ध्वनि, इसका साउंड आधा आएगा। श, श, स, श, श आधा आएगा। और मैंने पहले भी कहा था, हर अक्षर में अ की मात्रा रहती है। जैसे क, अ, ख, अ, व, अ, हर मात्रा में रहती है। पर यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर ध्वनि आधी हो जाती है, इसीलिए अ का व्यवहार हुआ है। क, क प्लस श प्लस अ, श। त प्लस र प्लस अ, त्र। ज प्लस य प्लस अ, ज्ञ। श्र, स प्लस र प्लस अ, श्र। चलिए देखते हैं इन सब के शब्द। श से कक्षा, शिक्षक, शिक्षा, यही सब होता है। दूसरा त्रिशूल। त्र से त्रिशूल, त्रिभुज, त्रिकोण आदि। ज्ञ। ज्ञ से यज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। श्र। श्र से श्रमिक, श्र से श्रमिक, जो बहुत मेहनत करते हैं उन्हें श्रमिक बोला जाता है। अनुस्वर। अनुस्वर रेखा के ऊपर एक बिंदु, एक बिंदु दिया जाता है, उसे अनुस्वर बोलते हैं। जैसे कंघी, कंचन, कंपन। अनुस्वर में हमारा सांस रुक जाता है जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? अनुस्वर के साथ। तो हमारा सांस एक एक टाइम पे रुक जाता है। जैसे कंग, हम अपने टंग से, जीभ से हवा को मुंह से निकलने नहीं देते। तो कंघी, कंचन, कंपन। कंघी मीन्स कोम, कंचन मीन्स गोल्ड, कंपन मीन्स शिवरिंग। नेक्स्ट अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? रेखा के ऊपर आधा चंद्र और अध चंद्र, उसके ऊपर एक बिंदु, इसे अनुनासिक बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जब हम बोलते हैं कहीं पर भी हमारी सांस नहीं रुकती, हम खुल के नाक से और मुंह से हवा छोड़ते हैं। पांच, कांच, माँ। तो ये अनुस्वर और अनुनासिक। नुक्ता। हर अक्षर के पैरों के नीचे एक डॉट होता है, बिंदु होता है, उसे नुक्ता बोला जाता है। हम सिर्फ दो शब्द, दो अक्षर सीखेंगे आज नुक्ता के। नुक्ता किस लिए व्यवहार होया जाता है? इसलिए होता है क्योंकि जो शब्द हमारे उर्दू से आए हैं या अंग्रेज़ी से आए हैं, उन्हें बोलने के लिए नुक्ता का व्यवहार होता है। जैसे ज के नीचे अगर हम एक डॉट लगा दें या बिंदु डाल दें पैर के नीचे, तो ज हो जाता है। ज विदाउट डॉट, ज विथ डॉट, ज, ज विदाउट डॉट, फ
with dot fur. So ये हमारा नुक्ता है. चलिए कुछ शब्द देखते हैं नुक्ता के. चलो पढ़ते हैं ज ज के शब्द. आवाज, अंदाज, रोज, मजहब, मजाक, नाराज, आज़ादी, जोर, ज़बरदस्त, तेज, मज़ा, सज़ा. ये है ज के शब्द. अभी चलते हैं फ पे. फर्श, फरियाद, साफ, सफ़ेद, फंदा, फांसी, मुफ्त, गिरफ्तार, रफ्तार, बर्फ़, सफ़र, फ़र्क. विसर्ग. विसर्ग क्या होता है? सिर्फ टू डॉट्स होते हैं. देखो हमारा जो स्वर वर्ण है अ से अह तक, उसमें दो डॉट्स आते हैं ना, वही डॉट टू डॉट्स का यूज़ होता है. तो इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी शब्द को पढ़ते हैं ये डॉट के साथ, तो ह का साउंड आना चाहिए, ह का. जैसे प्रातः, प्रातः, प्रातः मतलब प में र की मात्रा है, आ की मात्रा है, त में अह की मात्रा है, तो ह ह का आवाज़ आना चाहिए. प्रातः, प्रातः. ज़्यादातर विसर्ग हमारे संस्कृत भाषा में व्यवहार होता है. जितने संस्कृत वर्ड्स हैं उन सब में ऐसे डॉट्स यूज होते हैं. तो प्रातः का मतलब है सुबह. नमः, नमः मीन्स नमस्कार करना, नमः. अतः, अतः मतलब देयरफॉर, इंग्लिश में इसे देयरफॉर बोलते हैं, अतः. पुनः, पुनः का मतलब है फिर से करना, दोबारा करना, पुनः. शनैः, शनैः, शनैः का मतलब है स्लोली, धीरे धीरे, शनैः. विसर्ग दो डॉट्स होते हैं और ह का साउंड आएगा इसमें. प्रातः, नमः, अतः, पुनः, शनैः. अभी चलेंगे हम आगत. आगत का मतलब होता है आया है. आगत का मतलब होता है आया है. और इसका जो चिन्ह है वो रेखा के ऊपर आता है, ऊपर हमारा अर्धचंद्र या आधा चंद्र होता है. और इसकी ध्वनि अ और ओ के बीच का है. ओ, अ और ओ के बीच की ध्वनि को आगत बोलते हैं. ये भी अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए इस्तेमाल हुआ है. जैसे अगर हम विदाउट आगत चिन्ह पढ़ेंगे तो ऑफिस होगा. अगर ये हमारा लगता है आ और ओ के बीच का साउंड है, ओ, ऑफिस, ऑफिस, ये चिन्ह आने से ओ का साउंड आता है. बॉल, हॉट, कॉल, मॉल, कॉफ़ी, 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 मॉल, कॉल, हॉट, बॉल, ऑफिस. तो इन दोनों का बीच का जो ध्वनि है उसे आगत का ध्वनि बोला जाता है.